Yes, students, now let's continue with this unit, that is simple interest. So now see the worksheet 2. Find the simple interest at the end of 1 year for the following. बेटे इससे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा मनी बैंक हमें देता है, या फिर अगर हम मनी को लोन की तरह बैंक से ले रहे हैं, यानी कि बैंक से उधार ले रहे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ेगी बैंक को. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपली हम उसको कह सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा मनी होती है जो बैंक हमें पे करता है या फिर हम बैंक को पे करते हैं. ओके, सो हेयर इज क्वेश्चन ए पार्ट. देखिए बेटे 400 यहाँ पे रुपीज हैं, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू. अब प्रिंसिपल वैल्यू मैंने आपको बताई थी, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जो आप पैसे लेते हैं या फिर आप जो जमा करवाते हैं उसको कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू. तो सिंपल उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल और शॉर्ट में उसको हम बोलेंगे पी. ओके, तो ये है आपके पास प्रिंसिपल, डेट इज रुपीज 400. और ये जो 400 रुपीज हैं, ये इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 5% का है. क्या लिखा है यहाँ पे, एट 5% इंटरेस्ट. ठीक है, यानी कि जो सिंपल जो मैंने आपको बताया था, आम भाषा में जिसको कहते हैं ब्याज, हिंदी में इंटरेस्ट को, तो 5% का इंटरेस्ट पड़ रहा है. ठीक है, तो अलग अलग बैंक में अलग अलग रूल होते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो चार्जेस लगाते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो बताएंगे कि इतनी मनी पे इतना इंटरेस्ट पड़ेगा. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द बैंक. नाउ पर का मतलब होता है बेटा एक, पर मींस वन, पर एनम, एनम का मतलब होता है साल, ईयर, पर एनम हर एक साल, यानी कि वन ईयर की बात हो रही है. और यहां पर भी क्वेश्चन में गिवन था आपको फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर. ओके, तो पर एनम आई थिंक आपको क्लियर है, 1 ईयर की बात हो रही है यहाँ पे. तो अगर इतना अमाउंट, ये जो रुपीज में गिवन है आपको 400, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, इतनी मनी अगर ली जा रही है या दी जा रही है, उसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट पड़ रहा है एक साल में. ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा मनी उसके ऊपर जो चार्ज होगी, एक्स्ट्रा मनी जो उसके ऊपर बैंक हमें देगा या हम बैंक को देंगे, तो वो एक्स्ट्रा मनी क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए बहुत इजी सा एक मेथड है, अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू को इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई कर दें और साथ में 1 ईयर को भी मल्टीप्लाई कर दें, यानी इन तीनों चीजों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, देन वी विल गेट द सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई करना है, बहुत इजी है. देखिए बेटे नोटबुक में ध्यान से देखेंगे, आई हैव दिस क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट. ए पार्ट में आपको ये गिवन है प्रिंसिपल वैल्यू. ठीक है, प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 5%. 5% का आपको इंटरेस्ट गिवन है क्वेश्चन में. टाइम पीरियड क्या है, 1 ईयर. तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये सिंपल फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज आर टाइम फॉर टी अपॉन 100. 100 क्यों लगा रहे हैं बेटा, जब हम परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 100 आएगा, तो वही वाला 100 यहां पे लगाया गया है. कहने का मतलब क्या है बेटा, आपको सारी जो वैल्यूज गिवन है उसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, इन सबको आपने, इन तीनों को आपस में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है. सिंपल, नाउ प्रिंसिपल दिस इज 400 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 5, और इसको हम लाइन लगा के 100 भी लिखेंगे, जो आपको फॉर्मूला में भी गिवन है, यही वाला परसेंटेज वाला 100 है ये, मल्टीप्लाई 1 ईयर है टाइम 1 लिख देंगे. ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, ये 0 से ये वाली 0 और ये वाली 0 से ये वाली 0. कहने का मतलब क्या है, जो आपस में 0s डिवाइड हो रही है उसको आप डिवाइड कर दीजिए. नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय 5 वी गेट 20, तो ये बनेगा आपका 20 रुपीज. 20 रुपीज इज द सिंपल इंटरेस्ट. ओके,